ये जलकुंभी का प्लांट है जिसका इंग्लिश नेम वाटर हाइसिंस और बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम आइकॉर्निया क्रेसिपेस है। ये प्लांट वैसे तो साउथ अमेरिका के अमेजॉन का नेटिव प्लांट है, बट अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से पूरी दुनिया में ये लगभग लगभग हर जगह पाया जाता है। इंडिया में भी ये इन्हीं ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इंट्रोड्यूस करने के कुछ ही महीनों बाद जितनी भी वाटर बॉडीज़ थी पूरी वाटर बॉडीज़ के सरफेस के ऊपर ये कवर कर लिया। और जहाँ कहीं भी इसकी ग्रोथ होती है वाटर बॉडी से ऑक्सीजन को इतनी तेज़ी से कंज्यूम करता है कि जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाती है। और इसी वजह से बंगाल में जब वाटर बॉडीज़ के ऊपर एक बार ये इन्वेसिवली ग्रो कर गया तो जितनी भी मछलियाँ थीं पानी में सबकी सब मरने लगीं। यही वजह है कि इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। जलकुंभी एक फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है। इसमें जड़ तो होती है लेकिन पानी के अंदर वो हैंग कर रही होती है और मड से या सॉयल से इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। और यही वजह है कि जैसे ही हवा चलती है हवा के रुख पे वाटर बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड में दूसरी साइड से फिर अपनी पुरानी पोजिशन पर ये तैरते रहता है। पानी के ऊपर तैरने में मदद करती हैं इसकी पत्तियाँ, जिसका पीटियोल बल्बस हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है और उसमें एयर भर जाती है जिसको एरेनकाइमा कहते हैं। जलकुंभी की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ही तेज़ होता है और उसकी वजह है इसमें पाया जाने वाला स्टोलॉन। स्टोलॉन स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो कि वाटर बॉडी के सरफेस के नीचे वाटर बॉडी के पैरेलली ग्रो करता है और देखते ही देखते इतना तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है कि पूरी वाटर बॉडी इसी जलकुंभी से भर जाती है। छोटे गड्ढे में कंट्रोल कंडीशन में इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर लगाया तो जा सकता है, लेकिन बड़ी वाटर बॉडीज़ में अगर इसका एक भी प्लांट आ गया तो इसको फिर रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जलकुंभी के ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से इसको डेविल्स लिली के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।